हे गाइस, वेलकम बैक टू आदिरा व्लॉग। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने शादी शॉपिंग सीरीज़ स्टार्ट की है और उसका मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो फटाफट से चेकआउट करने जाके, और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें शादी के टाइम किस टाइप की साड़ियाँ और कुछ लहंगे जो हमें खरीदने चाहिए। मैंने अपनी शादी में जो कुछ साड़ियाँ खरीदी थी उनका फैशन आज तक चलता जा रहा है और आई थिंक आगे भी चलता ही जाएगा। कुछ साड़ियाँ ज़रूर अपने शॉपिंग में ऐड करिए जो कि आपकी साड़ियाँ सालों साल चलेंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फ्रेंड, फर्स्ट साड़ी आपको अपनी शॉपिंग में ये ज़रूर ऐड करनी है, बांधनी प्रिंट की साड़ी। ये राजस्थानी साड़ी है और इस साड़ी का कभी भी फैशन नहीं जाने वाला है, और आप अपनी शॉपिंग में ये एक साड़ी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इस तरह की साड़ी काफ़ी अच्छी भी लगती है नई नवेली दुल्हन के ऊपर, और इनका फैशन भी कभी नहीं जाता है, आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। बांधनी प्रिंट साड़ी में हल्की साड़ियाँ भी आती हैं, भारी भी आती हैं। ये मेरी थोड़ी सी हैवी साड़ी है, इसका बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है। सो फ्रेंड, आपके पास एक साड़ी आपके शादी की शॉपिंग में बांधनी साड़ी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लगती है और इस तरह से नई नवेली दुल्हन के ऊपर तो बहुत ही प्यारी लगेगी, और इनका फैशन कभी नहीं जाता है, आप इसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड साड़ी है, आप इस तरह की ज़री वर्क वाली साड़ियाँ ज़रूर लीजिए। ज़री वर्क की साड़ियाँ भी कभी भी फैशन इनका आउट नहीं होता है, और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं ये साड़ियाँ। इसमें काफ़ी भारी भारी भी आती हैं और लाइट वेट भी आती है। मेरी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट इसको संभालना फिर भी भारी होता है। मतलब ये दिखने में बहुत ज़्यादा हल्की पतली सी दिख रही है, जॉर्जेट के फैब्रिक पे है, बट इसका जो ये ज़री वर्क होता है ये काफ़ी भारी होता है और बहुत ही स्मार्ट लगता है, और ये कलर भी बहुत प्यारा है। मेरी शादी की साड़ी है और देखिए आज भी नई जैसी लगती है। तो आप भी इस तरह की ज़री की साड़ी अपने शादी के शॉपिंग में ऐड कर सकते हैं, जिनको आप काफ़ी टाइम तक पहनेंगे और इनका फैशन नहीं जाता है। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वही साड़ियाँ दिखाऊंगी जिन्हें आप काफ़ी लंबे समय तक पहन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट साड़ी। इस तरह की रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, इस तरह की बनारसी साड़ियाँ आप भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में हैं और काफ़ी स्मार्ट लगती हैं और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। जब आपकी नई नई शादी होती है तो आप ससुराल जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक आपको साड़ी पहननी होती है, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही आपको पहन के रखना पड़ता है साड़ी, क्योंकि गेस्ट आते रहते हैं। तो नई नवेली दुल्हन है तो सबकी निगाहें उसी पे रहती हैं, तो आपको अच्छे से रहना होता है। तो इस टाइप की साड़ियाँ भी आप पहन सकते हैं जो कि आप दिन भर ईज़िली पहन पाएंगे और कम्फर्टेबल भी रहेंगे। इसमें देखिए कोई ऐसा वर्क नहीं है जो आपको चुभेगा, इसमें बस हल्का सा ये स्टोन लगे हुए हैं, बाकी ये बनारसी सिल्क है और ये बहुत लाइट वेट साड़ी है, ईज़िली कैरी हो जाती है। सो नेक्स्ट साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। साड़ियाँ तो आप बहुत सारी लेंगे, पर बस मैंने ये कुछ साड़ियाँ आपको सजेस्ट की हैं कि आप ये अपनी शॉपिंग में ज़रूर ऐड करिएगा, और आई एम श्योर इन साड़ियों से आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट साड़ी कौन सी है। गाइस, ये नेक्स्ट साड़ी मेरी शिफॉन की है, बहुत ही हल्का कपड़ा है इसका और ये इसमें गोटा पट्टी का वर्क है। गोटा पट्टी भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और अच्छी लगती है। ये मेरी येलो साड़ी है, ये भी मेरी शादी की साड़ी है, और मतलब इसे मैं कभी भी पहनती हूँ तो मुझे ये लगती नहीं है कि ये मेरी 5-6 साल पुरानी साड़ी है, एकदम न्यू ऐसी की ऐसी लगती है। इस तरह का बॉर्डर है, इस पर आप रेड, ग्रीन, किसी भी कलर का ब्लाउज़ पहन सकते हैं। आप इस साड़ी को डे फंक्शन में, नाइट फंक्शन में, दोनों में पहन सकते हैं। छोटी मोटी घर में पूजा होती है उस टाइम भी पहन सकते हैं और पार्टी में भी पहन सकते हैं। दिखने में बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट सी साड़ी है, बट पहनने में बहुत अच्छी लगती है, और इसका लुक दूर से देखने में लगता है काफ़ी हैवी, बट बहुत ही हल्की साड़ी है ये। गाइज, आप इसका मैं फैब्रिक आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है। सो गाइज, नेक्स्ट साड़ी भी मेरी येलो कलर की है और ये मैंने ली थी अपनी फेरों के लिए पहनने के लिए, इस तरह की। इस पर ये मोती का वर्क हो रखा है। ये साड़ी इस तरह की आप सभी को लेनी होगी जिनकी शादी है, उन सबको एक येलो साड़ी ज़रूर ऐड करनी होती है। मेरी ये जो मैंने इससे पहले येलो कलर की साड़ी दिखाई थी ये मेरे ससुराल साइड से आई थी और ये मैंने मायके में ली थी फेरों के टाइम पहनने में, और आज भी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
इस तरह की आप भी ले सकते हैं अपने फेरों के टाइम पहनने के लिए। बहुत भारी नहीं है और ना ही बहुत हल्की है। इस तरह के ये बूटे पूरी साड़ी में बने हुए हैं। नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी नेट की। जो लोग नेट की साड़ियाँ पसंद करते हैं उनके लिए है ये साड़ी। इस टाइप की नेट की साड़ी भी आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी लाइट वेट होती हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी आजकल नेट की साड़ियाँ आई हैं। ये तो मेरी काफ़ी टाइम पुरानी है बट अभी और अच्छी अच्छी आने लगी हैं नेट में। इस तरह के वर्क खूब बहुत ही सुंदर सुंदर वर्क रहता है नेट की साड़ियों में और काफ़ी स्मार्ट लगती हैं। आप ऑफ कलर में भी ले सकते हैं, डार्क कलर। नेट में तो लाइट कलर ही आते हैं और ये साड़ी मैंने खुद बनाई थी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, चेकआउट करिएगा। ये साड़ी मैंने खुद बनाई है ये लेस लगा के। जब हमारी शादी फिक्स हो जाती है तो हमें लगता है हम ऐसी साड़ी लेंगे ऐसी साड़ी लेंगे, बट हम जब लेने जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हम जो हमें कम पसंद आती है वो भी ले लेते हैं, जो नहीं पसंद होती है वो भी ले लेते हैं। बट मतलब उस समय ऐसा होता है कि चलो जो मिला वो ले लिया ले लिया। ऐसे करके बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमें ससुराल साइड से भी साड़ियाँ आती हैं, मायके से भी होती हैं और हमें कुछ गिफ्ट में भी मिलती हैं। तो बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं और ऐसा होता है कि जो भी गिफ्ट करेगा, जो भी साड़ी लाएगा, वो जो उस समय चल रही है वही साड़ियाँ आपको गिफ्ट करेगा। तो आपके पास काफ़ी स्टॉक रेडी हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनली जब आप खुद साड़ी लें तो कम से कम साड़ी लें। आप अपनी पर्सनल शॉपिंग में उन साड़ियों को ऐड करिए जिनका फैशन लंबे समय तक रहता है, जैसे बांधनी, बनारसी सिल्क, नेट और जरी वर्क। ये सब साड़ियाँ हैं जो आप अपनी पर्सनल शॉपिंग में ऐड कर सकते हैं। हमें कुछ साड़ियाँ हल्की भी लेनी चाहिए इस टाइप की। ये देखिए, ये बहुत ही हल्की साड़ी है बॉर्डर वाली और बहुत ही सुंदर लगती है। आप ये कलर भी बहुत प्यारा है दुल्हन के लिए, ये कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपके ऊपर अच्छा लगे, डार्क लाइट कैसा भी कलर, बट इस तरह की हल्की साड़ी भी ज़रूर आप अपनी शॉपिंग में ऐड करिएगा। जैसे ये रेड है और ये मेरी पिंक, बहुत ही सॉफ्ट सी साड़ी है और बहुत ही मतलब दिखने में हैवी लगती है। ये देखिए, ये बॉर्डर खूब बहुत ही सुंदर लगता है और इस तरह की हल्की भी है, बहुत ही सॉफ्ट सी साड़ी है और पहनने में काफ़ी अच्छी लगती है, दुल्हन के ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी। जब हम दुल्हन के लिए शॉपिंग करते हैं तो हमें साड़ी के साथ साथ एक दो लहंगे भी ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो एक तो ज़रूर ही लीजिए। जैसे मुँह दिखाई की रस्म होती है, मुँह दिखाई की रस्म में काफ़ी लोग आते हैं और आपको देखने आते हैं और वहाँ पे हो सकता है आपको डांस भी करना पड़े, संगीत फंक्शन भी होता है। तो उस टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लहंगा पहनिए क्योंकि आपको डांस करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा लहंगा और लुक भी काफ़ी अच्छा आता है लहंगे में। तो मैं आपको एक दो लहंगे भी दिखा देती हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस टाइप के लहंगे लिए थे। एक ये डार्क कलर का लहंगा है, इस टाइप का भी आप ले सकते हैं, ये भी दुल्हन के ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा। ये जो भी लहंगे हैं ये सब 5-6 हज़ार के अंदर का ही मैंने कलेक्शन दिखाया है, कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है गाइस। इस तरह का लहंगा आप भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और मुंह दिखाई या संगीत फंक्शन में पहन के काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये भी काफ़ी सुंदर सा लहंगा है, पहनने पर बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं एक और आपको दिखा देती हूँ, ये डार्क कलर का था और एक मैं ये ऑफ वाइट कलर का लहंगा है, ये भी बहुत सुंदर लगता है पहनने पे। और आजकल तो इस तरह के लहंगे का ही ट्रेंड चल रहा है, ऑफ कलर जितने भी हैं सब ट्रेंड में हैं। बहुत ही सुंदर लहंगा है और फाइनल जो मेरी सीरीज़ होगी इस लहंगे के साथ मेकअप लुक की होगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। आई होप फ्रेंड आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अपनी शादी की साड़ियाँ लेने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।